हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल ये कहता है कि अगर बोर रेडियस, ठीक है, अब बोर थियोरी पढ़े होंगे, तो बोर रेडियस की जो वैल्यू है, ए नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एम ई स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है कि आर एच एस है डायमेंशन ऑफ लेंथ। आर एच एस कौन होता है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बोले तो ये वाला जो चीज़ है, ये इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए यार? लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, कैपिटल एल के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको बहुत सारे बच्चे बहुत लेंदी तरीके से करते हैं, और मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, जहाँ पर जो मीनिंग है वो ये जो यूजुअल है, जो आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज़ें पहले से आप जानते हैं। हमें पता है कि अगर दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच जो कुलामिक फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 और चार्ज Q2 / रेडियस आर का स्क्वायर जो कि लेंथ है। तो इसको चार्ज के टर्म में अगर मैं लिखूं तो E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे Epsilon naught upon E² की जो वैल्यू मिल जाएगी, Epsilon naught upon E² की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से, वो 1/F² एप्सिलॉन, ये 4 पाई को मैं छोड़ देता हूँ, और क्योंकि ये डायमेंशनल लेस है तो हम डायमेंशन के टर्म में बात करेंगे, तो ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगी। चलो अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ था Epsilon naught E² था, तो इसलिए मैंने Epsilon naught E² यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। चलो अब हमें प्लैंक्स कांस्टेंट को वैल्यू निकालनी। हमें पता है कि एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू ई अपॉन न्यू के इक्वल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी के इक्वल हो जाएगी। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट ई की वैल्यू आ जाएगी, और जो एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होती है, और वर्क क्या होता है यार? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, सॉरी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डी, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस को यहाँ आर से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी FRT। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, और यहाँ से ये वाली वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो दोनों अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा जो सर्कल किया हूँ, तो यहाँ अगर मैं रखूँ तो मुझे देखो क्या मिलता है। जो मिलता है हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे, और वही हमारा सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ देगा। तो यहाँ से ए नॉट की जो वैल्यू है, देखो Epsilon naught upon E, पाई को छोड़ दो, पाई डायमेंशनल लेस है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से Epsilon naught E² की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ Fr² मिल जाएगा, ठीक है, Fr², और H² की वैल्यू रखो, H² की वैल्यू रखो तो F² R² T² / DM। तो चला आ रहा है पहले से, तो यहाँ ये R² ने R² को खा गया, तो F ने F को ये, तो फाइनली जो A0 मिला मुझे प्यारे बच्चों, तो A0 की वैल्यू मिलेगी, ऊपर एक F बच गया और T² बच गया और नीचे M बच गया, तो ये वाली चीज़। अब हमें डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालने के लिए जो फोर्स होता है वो एम ए के इक्वल होता है, एम ए एम, और ये टाइम T² दैट इज एम, तो एम ने एम को, चलो तो एक्सलेशन AT² एक्सलेशन का हमें डायमेंशन रख दो, एक्सलेशन का होता है LT-2 और टाइम का T² ठीक है। तो T² T^2 और T^-2 एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल आ गया, जो कि लेंथ के इक्वल आ गया A0। तो जो जो यही हमें निकालना था, ये हमें प्रूव करना था। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो।